शंकर बाबा पापड़कर का वज्जर आश्रम अमरावती जिले के परतवाड़ा में स्थित है, जो सड़क पर मूक बधिर विकलांग और अनाथ बच्चों को पितृ छत्र देते हैं। उन्होंने गुरुवार को पत्र परिषद लेकर नागपुर में मीडिया से चर्चा। हाल ही में शंकर बाबा पुंडलिक पापड़कर को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विकलांग और अनाथ बच्चों के लिए काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अनाथ बच्चों को पहचान मिले, 18 साल के बाद भी यह बच्चे अनाथ आश्रम में रह सके, इसलिए केंद्र सरकार कानून बनाए, यह मांग उन्होंने इस वक्त कही। उन्होंने कहा कि इस विषय में उन्होंने प्रधानमंत्री से भी चर्चा की है, जल्द ही इस विषय पर कानून बनाने की बात उन्होंने बताई है। दिव्यांग मुलांना आरक्षण की गरज नहीं है, यांना पुनर्वसनाची गरज आहे, यांना स्वावलंबन बनवण्याची गरज आहे। आणि ते कसं बनलं ते वज्जर मॉडेलनंच बनलं। 123 मुलांमध्ये 98 मुली आहे, 25 आहे, 30 मुलींचे लग्न झाले, यांना झाडं लावून गेले 15,000, आणि त्यांचं मानसिकता आम्ही वाढवली, म्हणून वज्जर मॉडेलप्रमाणे या देशाचं बलं होईल, एवढं मी सांगू इच्छितो। अनाथ बच्चों को पहचान मिले, इसके लिए कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, मगर इस विषय में सरकार कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाई। इस मांग का कितना असर सरकार पर पड़ता है, यह देखना खास होगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंखलवार की रिपोर्ट।